अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रक डिस्पैचिंग। ट्रक डिस्पैचिंग क्या होती है और ट्रकिंग क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। अच्छा, एक मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूं कि मैं स्लाइडों से नफरत करता हूं, थ्योरी से नफरत करता हूं, लेकिन क्या करूं कि मजबूरी है कि ये जो फील्ड है इसमें आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। आप बात को कहां से कहां ले जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि डिस्पैचिंग कैसे होती है और ट्रकिंग किसे कहते हैं, कैसे हम लोग काम करते हैं। तो पहला जो लेक्चर है ये थोड़ा थ्योरी बेस होगा, और इसमें थ्योरी मैंने इतनी ज्यादा नहीं लिखी, लेकिन कुछ शॉर्ट करके लिखी है। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना होगा, पूरा लेक्चर देखना होगा। अगर आपने नहीं सीखना तो आप अब इसे छोड़ के जा सकते हो। अभी मैं आपको अगर बता दूं तो इस मार्केट का कितना, यानी कि जो सालाना जो इसकी इनकम है, जो इसकी आमदनी है, वो कितनी है, आपको अभी गूगल के ऊपर सर्च करके दिखाऊंगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। इसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट। आप जस्ट अपनी कंपनी बनाओ और अपने बिजनेस को डेली 12 से 16 घंटे दो। 1 महीने के बाद आप जो मर्जी लेना चाहो आप इजीली ले सकते हो, अपने घर का इजीली आप खर्चा मर्चा चला सकते हो। लेकिन इसमें वो वाला काम नहीं है कि अमेजोन वाले ट्रिक्स हो गई, कभी ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, कभी क्या तो कभी क्या नहीं। इसमें जस्ट आपने टाइम देना है और ऑनलाइन बैठ के आपने लोड बुक करना होता है। लोड बुक करना होता है, लोड के लिए आपको क्लाइंट फाइंड करने होते हैं, और इसमें कुछ करेक्टर्स हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि ट्रक डिस्पैचिंग है। ठीक है, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स भी इसमें ऐड की हैं ताकि आप बोर ना हो जाओ। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा, आपके काफी सारे दोस्त कर रहे होंगे ट्रकिंग, आप कह रहे हो यार आप ट्रकिंग कर रहे हो। हाँ यार, मैं ट्रकिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज मुझे ट्रकिंग सिखा दो। अब ट्रकिंग और ट्रक डिस्पैचिंग दोनों में क्या फर्क है, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन आमतौर पे लोग इसे ट्रकिंग कहते हैं, या कार डिस्पैचिंग कहते हैं, या फ्रीट डिस्पैचिंग कहते हैं। ठीक है, अब अगर तो मैं आपको बताऊं कि ट्रकिंग क्या होती है, कि लोड को एक जगह से दूसरी जगह पे शिप करना, यह ट्रकिंग में आता है। और डिस्पैचिंग क्या होती है, कि लोड को एक जगह से आपने किसी सप्लायर से लिया, किसी मैन्युफैक्चरर से बनवाया, कोई रॉ मटेरियल आपने इकट्ठा किया, ठीक है, फिर आपने शिपर को दिया, फिर उसमें आपने ब्रोकर को इन्वॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद फिर आपने एक कॉरियर कंपनी को हायर किया जो आपका सारा सामान लेकर दूसरी जगह पे पहुंचा रही है, और आपके पास सारे डेटे का रिकॉर्ड है। इसको हम कहते हैं ट्रक डिस्पैचिंग। ठीक है, तो आपको ये दोनों टर्म्स का आइडिया हो गया होगा। मैं इंग्लिश में भी पढ़ के आपको सुना देता हूँ, आप इंशाल्लाह बोर नहीं होंगे, लेकिन मैं लेक्चर सारा जो कुछ मेरे माइंड में सारा कवर करवाऊंगा। और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह से 4 से 5 महीने से ये काम कर रहा हूँ, और मेरे अपने जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि यूएसए में जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ मेरा ये काम चलता रहता है। खैर, द प्रोसेस और बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ऑन द ट्रक्स, ट्रक्स के ऊपर आप लोड करके किसी भी जगह पे भेजते हो तो ये ट्रकिंग में आता है। ट्रक डिस्पैचिंग क्या होता है भाई, इसमें टाइम देना पड़ता है। अब जो मैंने आपको बातें बताई आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी, मैंने जब फ्रीट ऑन बिहाफ ऑफ अ करियर, ठीक है, और उसके बाद जो है आपको लोड बोर्ड जो है उसके ऊपर बैठना होता है, आपको सारे कनेक्शन जो है वो अपने लोकेट करने होते हैं, आपको सारा खाका जो है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अलीबाबा से सोर्सिंग कर चुका हूँ, मल्टीपल टाइम बड़े बड़े कंटेनर जो है वो यूएसए के लिए बुक करवा चुका हूँ प्राइवेट लेबल बिजनेस के लिए। ठीक है, और आपको यानी कि बोलना होता है ब्रोकर्स के साथ, ब्रोकर्स के पास इतनी ज्यादा लिस्ट होती है शिपर्स की, उनके पास अच्छे अच्छे रेट्स भी होते हैं, उनके पास बुरे रेट्स भी होते हैं। आपकी इन्वेंट्री 20 दिन में पहुंचानी है, 30 दिन में पहुंचानी है, 2 महीने में पहुंचानी है, ये सारा उनके पास रिकॉर्ड होता है ब्रोकर्स के पास। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग चलें, व्हाट इज ट्रक फ्रीट डिस्पैचिंग। मैंने आपको कितने टर्म सिखाई है, एक ट्रकिंग है, एक ट्रक डिस्पैचिंग है, और उसके बाद ट्रक फ्रीट डिस्पैचिंग है। ठीक है, बिकमिंग अ ट्रक डिस्पैचर आल्सो नाउन एज अ फ्रीट डिस्पैचर। फ्रीट आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि बहरी जहाज पे शिप करना या एयरप्लेन पे शिप करना फ्रीट डिस्पैचर है, नहीं, इसमें आप ट्रकिंग यानी कि ट्रक के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो कि अपना लोड आप सेंड करते हो या शिपमेंट आप भेजते हो, उसे आप फ्रीट डिस्पैचिंग में तीनों टर्म्स को आप ले सकते हो, बहरी जहाज वाले को भी। और अभी तो मैं आपको जस्ट ट्रकिंग सिखा रहा हूँ, अभी आपको एयरप्लेन डिस्पैचिंग नहीं सिखाई, अभी आपको शिप डिस्पैचिंग नहीं सिखाई। अगर आप ये तीनों सीख लेते हो तो दुनिया में आप 24 घंटे जहाँ काम करते हो, 2 दिन या 3 दिन लगा के, या डेली का आप 12 घंटे काम करते हो, वहां पे आप इन आवर्स को डबल कर लो। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी फ्रीट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, जितनी भी शिपमेंट्स होती है, हर जगह पे जब भी आप देखो कि रोड जैम हो जाता है तो हर चीज का रेट हाई हो जाता है। ठीक
ठीक है। अब बाकी आगे वाली बात आप खुद अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि अगर एक दिन भी किसी जगह पे ट्रैफिक जैम हो या कोविड-19 की तरह, यानी कि हर जगह पे जो है वो ट्रैफिक जैम हो जाए और सारा यानी कि कंट्री बंद हो जाए, तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो आजकल की जो जितनी भी हमारी जो एक्सपोर्ट्स वगैरह हैं या इम्पोर्ट्स वगैरह हैं, वो सारी इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। खैर, ट्रक डिस्पैचेस स्केड्यूल फ्री डिलीवरीज एंड अरेंज पिकअप्स ऑफ शिपमेंट्स एंड पार्सल्स, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पार्सल्स वगैरह पहुंचाना, देयर ड्यूटीज इंक्लूड द स्केड्यूलिंग ट्रक ड्राइवर्स। अब ये सबसे अहम बात है, रिलेइंग शिपमेंट्स डिटेल्स एज अरेंज विद द कस्टमर्स, ठीक है, द सीटिंग ऑफ ड्राइवर्स रूट्स। अब आप जो ड्राइवर होता है ना, अब मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कि कनाडा में काम करते हैं, ओंटारियो में, टोरंटो में, डिफरेंट सिटीज है वहां पर, जहाँ पे वो एक कंट्री से वो यूएसए में भी शिपमेंट्स लेकर जाते हैं, 6,000-7,000 कैनेडियन डॉलर्स। सिख मेरे दोस्त हैं, सिख, इंडियन सिख, पंजाबी, काफी मेरी दोस्ती है उनके साथ, तो वो मुझे बताते रहते हैं कि हमारी इतनी सैलरी है, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, ट्रक के अंदर ही उन्होंने अपना सारा खाने पीने का, सोने का सामान रखा होता है, मेरी अक्सर उनसे बात भी होती रहती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें, ये मुझे तो आइडिया है, लेकिन मैं आपको एज अ फ्रेंडली माहौल बना के सिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो, आपके माइंड में बैठ जाए कि क्या काम होता है इसका। अब देखो, आप मार्केट में इसका पोटेंशियल देखो कि कितना पोटेंशियल है ट्रकिंग का। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ ट्रक्स, ट्रेन, शिप्स एंड कार्गो जेट्स आर क्रॉसिंग द कंट्री टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, ठीक है। अब रोजाना पता नहीं हजारों लाखों जितने भी टन का जो माल है या जितने भी ट्रक्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिप करते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इस मार्केट का पोटेंशियल है। अगर आप काम करने बैठ जाओ, आपको ट्रक डिस्पैचिंग, शिप डिस्पैचिंग, आपको एयरप्लेन डिस्पैचिंग और कार फ्रीट डिस्पैचिंग, चार कोर्सेज अगर आप कर लेते हो, तो 1 से 2 साल के बाद आप अपनी मर्जी का कोई भी बेला कहीं पे ले सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आपको अपनी कंपनी और अपनी गैंग बनानी होगी आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है, सबसे पहले तो आपको लर्न करना होगा, उसके बाद ही बड़े बड़े ख्वाब आप देख सकते हो। ट्रक्स डन मूव अबाउट 71% ऑफ द नेशंस फ्रीट बाय द वेट। अब ये लाइन अगर आप पढ़ लो तो आपको आइडिया हो जाए कि कितना पोटेंशियल है इसका, ठीक है। मैं ज्यादा रीड नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको बेसिक आइडिया यहाँ पर दूंगा, लेकिन थ्योरी आपको रीड करनी पड़ेगी, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर जो करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, शिपर, शिपर कौन होता है, शिपर की बहुत सारी टर्म्स हैं, कभी मैन्युफैक्चरर शिपर होता है, कभी रॉ मटेरियल इकट्ठा करने वाला शिपर होता है, कभी डिस्ट्रीब्यूटर खुद से शिपर होता है, कभी रिटेलर खुद से शिपर होता है। कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो बंदा भी सप्लाई करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जो माल भेजेगा, वो एज अ शिपर गिना जाएगा। फ्रीट ब्रोकर कौन होता है, यहाँ पर फ्रीट की स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, अगर कहीं पे कोई गलत वर्ड बोल रहा हूँ तो उसके लिए माजरत, इंग्लिश मुझे खास नहीं आती। फ्रीट ब्रोकर कौन होता है, जो कि ऑनलाइन बैठ के सारा मैनेज कर रहा होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं ना, आपको इन 6 से 7 टर्म्स को मैं अलग अलग लेक्चर बनाऊंगा, इनके ऊपर आपको अभी समझ नहीं आएगी कि क्या क्या होता है, आपके सारे माइंड में मिक्सअप हो जाएगा। शिपर कौन है, फ्रेट ब्रोकर कौन है, आप अपने दोस्तों को बता रहे होंगे तो ये सारा मिक्सअप हो जाएगा, फिर वो आपकी गलतियां निकाल रहा होगा, तुझे पता ही नहीं यार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन टर्म्स के ऊपर मैं अलग अलग लेक्चर बना दूंगा, फिर आपको सारे गेम ही इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप एक सर्विस भी पकड़ लेते हो ना, तो आप इजिली $1,000 कम से कम एक मंथ का कमा सकते हो, डेली के 4-5 घंटे देके, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको करेक्टर गिनवा रहा हूँ जो कि मेन रोल इसमें अदा करते हैं, 90-95%। फ्रीट ब्रोकर कौन होता है, जो कि जिसके पास सारी एक रिकॉर्ड होता है शिपर्स का, जिसके पास कम रेट वाले भी होती हैं, हैवी रेट वाले भी होते हैं, और उसका कंपनी के साथ भी और करियर के साथ भी, और जैसे कि DHL है, TCS है या FedEx है, उसका सबके साथ कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसने एज अ ब्रोकर बीच में खुद को इंस्टॉल करके कमीशन लेना होता है। और करियर कौन होता है इसमें, करियर जो कि एक ट्रक दूसरी जगह पे लेकर जाता है सामान, मतलब कि DHL, FedEx या TCS, जो भी आप सर्विस को नाम दे लो। और डिस्पैचर कौन होता है, सबसे ज्यादा टफ जो इसमें टर्म है ना, वो ये वाली है, डिस्पैचर वाली है। डिस्पैचर की बहुत ज्यादा किस्में हैं, टाइप्स हैं बहुत ज्यादा। अगर तो मैं आपको एक चीज बताऊं, तो आपको ये करियर में भी डिस्पैचर मिलेंगे, आपको एज अ ब्रोकर जो है वो भी काफी सारे डिस्पैचर मिलेंगे, आपको शिपर भी बहुत सारे डिस्पैचर मिलेंगे। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, हर एक टर्म के ऊपर आपको फिर आइडिया होगा, अदरवाइज आप ट्रकिंग नहीं कर सकते। फैक्टरिंग कंपनी कौन सी होती है, जो कि सारा फाइनेंस मैनेज कर रही होती है, सारा पीछे बैठ के, जिसके पास सारी यानी कि कभी भी इन चारों बंदों को पैसों की जरूरत होती है, तो फैक्टरिंग कंपनी पीछे से मैनेज करती है, जो कि सारा यानी कि
फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, मतलब कैश चाहिए अगले बंदे को। हाँ भाई, यहाँ से दूसरे जगह शिप कर रहे हैं तो ये फैक्टरिंग कंपनी बैठी होती है, वो ये सारा मैनेज कर रही होती है। और सप्लाई चेन क्या है, रॉ मटेरियल से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके रिटेलर तक, रिटेलर से लेके कस्टमर तक, जो सारी एक चैन गिनी जाती है उसे हम सप्लाई चैन कहते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर आपको ये पिक्चर जो है ये सही तरह से मैनेज मैंने किया, यहाँ पर आपको अब सही आइडिया होगा कि हाँ भाई, ये बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है और अपने काम के हिसाब से इसके पास टेलीफोन पड़ा हुआ है और ट्रैकिंग मॉनिटर कर रहा है, ये कंप्यूटर है इसके सामने और सारे सॉफ्टवेयर वगैरह खुले हुए हैं और उसकी नजर घड़ी पे है। हाँ भाई, इस टाइम ये सारा शिप हो जाना चाहिए, ये नहीं कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैंने काम करना, नहीं, मैंने ये काम पूरा करके उठना, चाहे मुझे 48 घंटे क्यों ना लग जाए। मेक अ स्केड्यूल ऑफ द ट्रेवल्स, मेंटेन कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन, मेक अ प्रॉपर रूट प्लान फॉर द ड्राइवर्स, जनरेट इनवाइसेस, ये सारा काम होता है ऑनलाइन बैठकर। ये अगर मैं आपको बताऊं, ये जितना भी लिखा हुआ है जस्ट 10% लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज अ ट्रक डिस्पैचर डू, ट्रक डिस्पैचर क्या कुछ करता है, अब आपको सही समझ आएगी। अब जो ट्रक डिस्पैचर होता है, एक बंदा नहीं होता, उसके अंडर 10-15 लोग और काम कर रहे होते हैं, एक ऑफिस बनाया होता है। अब लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे अपनी कम्युनिटी के जिनके अपने ऑफिस हैं, जांग में, ठीक है, 15-15, 20-20, 40-40 लड़के रखे हुए हैं उन्होंने। कोई लोड मैनेज कर रहा है, कोई ब्रोकर्स को कॉल कर रहा है, कोई करियर को कॉल कर रहा है, कोई क्या कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है, ठीक है। क्लाइंट्स उनको मिले हमें और वो ऑनलाइन उनका काम होता है मैनेज करना, और डेली का तकरीबन 1000, 1200, 1500 डॉलर्स वो अर्न करते हैं और सब में डिवाइड होता है और सारे घर को जाते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर एवरेज देखा जाए तो 30 दिनों का, 1 महीने का, एक बंदा कम से कम 600, 700, 800 डॉलर कमा लेता है इसमें से। अब देखो, एक डिस्पैचर जो है वो क्या करता है, मैनेज करता है फ्रीट को ऑन द बिहाफ ऑफ करियर। एक करियर ने, यानी कि TCS ने, DHL ने, यानी कि अपनी जो ट्रक्स हैं उनकी बेस के ऊपर उसको सारा डाटा भेजा ट्रक डिस्पैचर को, या तो वो खुद फाइंड करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो सारा लोड जो है वो मैनेज कर रहा होता है, अपने एंड से पर्सनल कनेक्शंस को एलोकेट कर रहा होता है, उसके अलावा कहाँ पे शिप हुई है, कहाँ पर पहुंची है, क्या हिसाब किताब चल रहा है ये देख रहा होता है, स्पीकिंग टू द ब्रोकर्स, ब्रोकर्स के साथ कॉल मिला रहा होता है, ठीक है, नेगोशिएशन कर रहा होता है कि हाँ भाई, अगर आप 1 डॉलर मुझे देते हो 1 KG का, तो 10 KG का इतना रेट बनता है, तो भाई 2 दिन में आप शिप कर दोगे फलान जगह पे, इस तरह से बात कर रहा होता है ब्रोकर्स के साथ। फिर ब्रोकर फिर अपना कमीशन देखता है, फिर वो ड्राइवर से बात करता है, करियर से बात करता है, ये सारा काम। अब एक जो ट्रक डिस्पैचर है वो एज अ ब्रोकर, एज अ शिपर, एज अ डिस्पैचर, एज अ करियर कंपनी भी काम कर रहा होता है। इसमें डिफरेंट टर्म्स मैंने आपको गिनवाई है, एक बंदा सारा काम कर सकता है, ठीक है। ये लाइन आप पढ़ लो, डिस्पैचिंग ड्राइवर्स एंड सेटिंग अप टू देयर रूट्स, इन मैनी केसेस द पोजिशन ऑल्सो इंक्लूड द सम बैक एंड वर्क लाइक रिवाइविंग ट्रक ड्राइवर्स लॉग्स एंड ट्रैकिंग देयर आवर्स, ठीक है, मतलब कि सारा कुछ गिनना और ये सब कुछ उसमें आ जाता है। अ ट्रक डिस्पैचर इज ऑफन कंफ्यूज विद अ फ्रीट ब्रोकर, बट टू पोजिशंस हैव डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट रोल्स, ये सारा आप रीड कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ लिखा हुआ है, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया। अच्छा, हाउ टू बिकम अ ट्रक डिस्पैचर, ऊपर वाला क्या था, व्हाट डज अ ट्रक डिस्पैचर डू, एक ट्रक डिस्पैचर क्या करता है और एक ट्रक डिस्पैचर बना कैसे जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको ये टर्म भी समझाऊंगा अपने वर्ड्स में, उसके बाद फिर आप ये रीड करना। अब यहां पर जो लिखा हुआ है वो ये है कि अगर आप एज अ सेमी डिस्पैचर बनना चाह रहे हो तो आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने, अब देखो, दो तरह से एक्सप्लेन करूंगा आपको। एक, ये ट्रक डिस्पैचर क्या करता है, अपनी LLC USA में रजिस्टर्ड करवाता है, ठीक है, और अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद एक लाइसेंस लेता है, लाइसेंस लेने के बाद अपना काम स्टार्ट करता है, ब्रोकर्स के साथ कॉन्टैक्ट करता है। अलीबाबा की वेबसाइट पे आप जाकर देखो, जितने भी बड़ी सोर्सिंग जो वेबसाइट, जितने भी बड़े सोर्सेज हैं वहां पर, जो कि एयरप्लेन के थ्रू, ट्रक्स के थ्रू, जितने भी वहां पर आपको सप्लायर मिलेंगे जो आपका प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, खासतौर पर चाइना से UK, चाइना से USA, इन कंट्रीज में आपको वहां पर बड़े बड़े ब्रोकर्स, बड़े बड़े शिपर वहां पे मिलेंगे। चाइना की वेबसाइट है alibaba.com, वहां पर, तो वहां से ही मैंने सीखा है, मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है उस वेबसाइट के ऊपर है। अच्छा, अब मेरी कंपनी है, मैं एज अ ट्रक डिस्पैचर उनसे कॉन्टेक्ट करूंगा कि फलां कंपनी से बात कर रहा हूँ मैं, और मैं इतनी इन्वेंट्री फलां क्लाइंट की यहाँ से बुक करवा के यहाँ पर भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं एज अ ऑनर भी काम कर सकता हूँ, एज अ अपनी कंपनी बिल्ड करके, और एज अ सेमी सेमी ट्रक डिस्पैचर, यानी कि सब सब पर्सन,
सेकंड पर्सन बन के मैं जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मैं इंटरनेट पे जाऊंगा, वहां पर देखूंगा ट्रक डिस्पैचिंग की कौन कौन सी जॉब्स हैं, फिर मैं देखूंगा मैं एज अ ब्रोकर से ही काम कर सकता हूँ, एज अ करियर फाइंड करना, या एज अ शिपर या एज अ डिस्पैचर। मैं देखूंगा अपनी महारत मेरी किसमें है, मैं उस हिसाब से। लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हम मैं आपको ज्यादा कौन सी वाली फील्ड की दूंगा, आप अपनी कंपनी क्रिएट करो, अपनी कंपनी क्रिएट करो, अपनी गैंग क्रिएट करो आप। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन से वाला है, रजिस्टर योर बिजनेस। अब मैंने आगे एम्प्लॉय वाले इसीलिए ऐड नहीं किए स्लाइड्स, क्योंकि काफी सारे लोग इंटरनेट पे ढूंढ रहे होते हैं, फिर उनका सारा कंसेप्ट ही बदल जाता है, कोई यूके निकल जाता है, कोई कनाडा निकल जाता है ट्रकिंग के सिलसिले में। लेकिन हमारा जो है, घर बैठ के अपना ऑफिस बना के यहाँ से मैनेज करो आप, इस बिजनेस को ट्रकिंग कहते हैं, ट्रकिंग ट्रक डिस्पैचिंग इसी को कहते हैं। यहाँ से बैठ के ऑनलाइन कॉल्स मिलाओ, कॉल सेंटर में कभी गए हो आप, वहां पर आपने देखा होगा ऑनलाइन कॉल्स मिला रहे होते हैं क्लाइंट्स को, उनको पूछ रहे होते हैं आपको ये चीज चाहिए ये चीज चाहिए, किसी को चाहिए होती है तो उसका कार्ड लेते हैं और उसका ऑर्डर डिस्पैच करवा देते हैं, यहाँ पर भी यही काम है। अच्छा, रजिस्टर योर बिजनेस, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, आपको IRS से अपना एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है, ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रकिंग की जो एग्जाम्पल्स हैं आप इंटरनेट पे गूगल करके देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई ट्रकिंग की कंपनी जो है उसका नाम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम फाइंड करना होता है, उसके बाद अब काफी सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, लॉजिस्टिक्स के नाम से, ट्रकिंग के नाम से अपनी कंपनी का नाम रख देते हैं कि डेविड ट्रकिंग LLC, डेविड लॉजिस्टिक्स ट्रकिंग डिस्पैचिंग सर्विसेज LLC, इस तरह से नाम रख देते हैं, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। आप सबसे पहले देखो कि आपका जो बिजनेस है उसमें आपकी जो ओरिजिनल जो आपके ब्रांड का नाम है वो आ रहा है, उसके बाद फिर आप देखो कि क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने अपने बिजनेस को नाम देना है, और उसके बाद आपने IRS USA की वेबसाइट है वहां पर जाकर आपने EIN के लिए अप्लाई करना है। अपनी कंपनी जो लिमिटेड आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है जो आपकी USA की, जब आपने अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली, उसके बाद अगला काम क्या है, आप अपनी गैंग बिल्ड करो, गैंग बिल्ड करो जो कि कौन कौन सी सर्विसेज देगी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ, वर्चुअल लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट, ठीक है, जिसे हम VA कहते हैं, एंड ट्रक डिस्पैच सर्विसेज, आप अपनी एक गिग बना लो। ठीक है, आपने ऑनलाइन जो जो सर्विसेज आपको आती हैं कौन कौन सी होती हैं, डिस्पैच सर्विसेज, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन, मार्केटिंग सर्विसेज, प्रोस्पेक्टिंग सर्विसेज, ठीक है, ये एक मैंने पिक्चर जो कि नेट से उठाई है और उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाने के लिए मैंने बड़ी मेहनत से स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आपको आइडिया हो। और इंशाल्लाह जल्द मैं अपना ट्रकिंग का कोर्स लॉन्च करूंगा, और बस मुझे एक डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेने दो, मैं खुद से अनाउंस कर दूंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रकिंग कैसे कर सकते हो आप और अपना बिजनेस आप कैसे नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। आपको अच्छा कोर्स कंटेंट इंशाल्लाह बना कर दूंगा मैं, और आपको सिखाऊंगा, और इसकी फीस भी आपको बता दूंगा कितनी होगी, मैं अपने इसे यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दूंगा 10 या 15 दिन पहले। ठीक है, अच्छा, आप ये सर्विसेज दे के अपने जो घर पे आप अपने बहन भाइयों को, अपने कजन्स को, अपने दोस्तों को आप साथ में मिलाओ, आप इकट्ठे मिलकर पैसे कमाओ। अगर आप अकेले करना चाहते हो तो अकेले भी आप कर सकते हो, एज अ ब्रोकर आप बनो। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं एज अ ब्रोकर अपने क्लाइंट्स के साथ जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं एज अ ब्रोकर उनसे बात करता हूँ। मतलब मेरा एक क्लाइंट है जिसका नाम डेविड है, एक क्लाइंट जिसका नाम जॉन है। अब जॉन को चाहिए कि अलीबाबा से उसने इन्वेंट्री बाय की है कोई 3,000 4,000 पीसेस। अब डेविड जो है वो शिपिंग का काम करता है, तो मैं डेविड को फोन मिलाऊंगा, मैं कहूंगा हाँ भाई मैंने चाइना से फला इन्वेंट्री है इस जगह पे पहुंचानी है, तो जो डेविड है वो मेरे लिए सारा काम करेगा, और मैं एज अ कमीशन के तौर पे अपने क्लाइंट के लिए ब्रोकर के तौर पे काम करूंगा कि हाँ भाई मैं तुम्हारी इन्वेंट्री इतनी है ये मैं इतनी यहाँ से उठवा के फलां जगह पे भिजवा देता हूँ, बेफिक्र हो जाओ आप। फिर वो आगे अपने दोस्तों को बोलेगा कि हाँ भाई उसामा अच्छे रेट्स देता है, अच्छा कमीशन रखता है, और सॉरी अच्छे रेट्स के ऊपर सस्ते दामों में जल्दी 4 या 5 दिनों में या 10 दिनों में 15 दिनों में इन्वेंट्री एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल सेफ्टी के साथ पहुंचा देता है, और इसके अच्छे लिंक्स हैं, वो आगे मुझे रेफर करेगा, फिर उसके दोस्त आगे रेफर करेंगे, इस तरह से कॉन्टैक्ट्स बनते चले जाते हैं, और मेरा एक नहीं मेरे तकरीबन 20-25 दोस्त हैं जो कि जिनके साथ मेरा कनेक्शन है और हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। लेकिन एज अ ब्रोकर मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, ट्रकिंग की जो फील्ड है इसमें, क्योंकि ब्रोकर का जो काम होता है अपना कमीशन रख के अगला काम सेफ्टी के साथ उनका जो लोड है वो बुक करवा देना, शिपमेंट उनकी टाइम पे
आगे पहुंचा देना, ठीक है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आप कौन से वाली सर्विसेज दे सकते हो। अगर तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो करेक्टर्स होते हैं ना, जब आप इनको अंडरस्टैंड कर लोगे फिर आप उसके बाद अपनी सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हो। आप अब जो मेरा जिससे मैं करवा रहा हूँ डेविड, जिसका नाम है अलीबाबा से, उसके पास कैरियर्स हैं, उसके पास शिपर्स हैं, उसके पास फ्रीट्स की सर्विसेज हैं जो कि बाय शिप बाय एयर चाइना से यूएसए में भिजवाती हैं, ठीक है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली क्या चीज है ये। अच्छा, हम लोग कौन से वाले स्टेप पे थे? इस स्टेप के ऊपर थे। अच्छा, अगला जो स्टेप है आपका एस्टेब्लिश एन ऑनलाइन प्रेजेंस। आप एक अपनी वेबसाइट बनाओ। एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आप रीड करो कि हाँ भाई मुझे डोमेन कैसे चाहिए। गो डैडी पे जाओ, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, एक अच्छी सी डोमेन बाय करो। डोमेन बाय करके अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस, अब मैं आपको अगर ये पिक्चर आगे दिखाऊं तो ये मैंने क्यों ऐड किया, इसी वजह से कि हाँ भाई बैठ के करने वाला बिजनेस है। अपनी एक अच्छी जो वेबसाइट है उसको आप स्किल करो, बाकी कंपनीज को देख लो आपके कैसे उन्होंने बिल्ड की हुई है। अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रक डिस्पैचिंग डॉट यूएस के नाम से एक वेबसाइट है, उनकी आप वेबसाइट देखो, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए। वंस यू हैव रजिस्टर्ड योर डोमेन है यार, यू कैन क्रिएट अ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, जहां जहां पे आपको लगता है आप वहां पर क्रिएट कर लो, यूट्यूब चैनल बना लो और प्रॉपर टाइम दो। स्टार्ट में एक बिजनेस को रन होने के लिए 2 महीने लगते हैं और डेली की आपकी 16 से 18 घंटे लगते हैं। 2 महीने के बाद आपको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी रूटीन बन चुकी होती है। 4-5 घंटे में आप अच्छा खासा पैसा बना के साइड पे हो जाते हो, ठीक है। ये एक बिजनेस का सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। इस्टेब्लिश एन ऑनलाइन प्रेजेंस। अब आपको ऑनलाइन प्रेजेंस तो मैंने बता दी क्या होती है, वेबसाइट बना ली, उसके बाद आपको आगे 3-4 पॉइंट्स और हैं। होम पेज अच्छा सा सिलेक्ट कर लो आप वेबसाइट का। अच्छा, मैं एक वेबसाइट आपको खोल के दिखाई देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि लेक्चर और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर बोर हो रहे हो तो कोई स्नैक्स वगैरह कोई चीज खा। अच्छा, अभी जो है आप देख सकते हो कि मैंने आपके सामने एक जो है वो वेबसाइट ओपन की है। इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करो, आपको आइडिया होगा कि क्या कुछ है। मैंने खुद ट्रैकिंग जो है इस वेबसाइट से, ज्यादा नॉलेज मैंने इस वेबसाइट से ग्रैब किया है। आप यहाँ पर आओ, आपको आइडिया होगा कितनी टाइप्स हैं, क्या कुछ होता है, किस तरह से किया जाता है और क्या हिसाब किताब है, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। आप इनकी वेबसाइट को विजिट करो, ट्रक डिस्पैचर ट्रेनिंग डॉट यूएस के नाम से है। आपको बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस का यहाँ पर जो है वो जवाब मिलेगा। लेकिन मैंने ये सारा रीड करने के बाद जो एक खुलासा बनाया हुआ है वो इन स्लाइड्स के अंदर है, ठीक है। होम पेज आपने देख लिया, सेल्स पिच क्या है आपकी ये आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। सेल्स आप यहाँ पर लिखा हो। अच्छा, इसको आप रीड करके आइडिया ले सकते हो। दिस इज वेयर यू गो इनटू ग्रेटर डिटेल ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू डू, आपको क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है। और उसके अलावा सेल्स पिच क्या होनी चाहिए आपकी, लाइकेबल सीईओ, थर्ड पॉइंट के ऊपर आओ आप, कि एक सीईओ कौन होता है, किस तरह से आपने सारा ये डिसाइड करना है। ये 5 जो पॉइंट्स हैं, आप इनको अगर 10 से 15 बार रीड करो तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैंने इनके ऊपर इतनी प्रैक्टिस नहीं की। और स्कैर्सिटी मेरे ख्याल से ये वो होती है, प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट होती है, कि एक अच्छी सी आप जो है अपनी वो कार्ड्स बनाते हैं ना एडवर्टाइजिंग के लिए और अपने रिकॉर्ड्स के लिए लोग अपने पास रखते हैं, मोटी सी एक बुक होती है उसमें सारा, हाँ भाई हमने ये काम किए हैं और ये हम आगे करेंगे, अपनी एक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट बनाई होती है। सोशल प्रूफ, योर वेबसाइट शुड हैव सम फॉर्म ऑफ टेस्टिमोनियल ऑन इट, एंड इफ यू आर अ न्यू इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैचर जस्ट स्टार्टिंग आउट, यू मे नॉट हैव एनी करियर हु कैन रिकमेंड यू येट, ठीक है। ये 5 जो पॉइंट्स हैं इनको लाजमी आप रीड करें, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आगे चलूँ तो स्टेप नंबर 3 क्या है, गेट अ लॉर्ड बोर्ड सब्सक्रिप्शन। अब आपको ये लेना मस्ट होती है, इसके ऊपर आप सारा हिसाब किताब देख रहे थे। अगर मैं आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाऊं कि आप किस तरह से देख सकते हो, यहाँ पर ये देखो, ये है लॉर्ड बोर्ड की डिस्क्रिप्शन जो है, इसकी मैंने एक पिक्चर आपके सामने रखी है, आप इसे देख सकते हो। अच्छा, एज अ डिस्पैचर, एज अ ब्रोकर, एज अ यानी कि ट्रक डिस्पैचर, आपको ये लॉट बुक करना होता है। मेन जो काम है ना इसमें, अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर आप ऑनलाइन करते हो बैठ कर, तो आपको लॉट जो है वो बुक करना होता है। कैसे बुक होता है, उसके लिए एक वेबसाइट है, ये dat.com लॉट बोर्ड, ठीक है। इनकी सब्सक्रिप्शन आप ले लो और आपको काफी सारे जो है
ऑनलाइन डाटा मिलता है आपको, और आप उसके थ्रू जो है अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। उसी के थ्रू आप लोड बुक कर सकते हो, सारा आपको डाटा वेटा मिल रहा होता है। अभी मेरे पास इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। और जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो सारा डाटा वेटा, लेकिन अभी एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको। पहली क्लास है तो इसमें आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ मैं। आप यहाँ से देख सकते हो, मोर देन 536 मिलियन लोड्स आर ट्रक्स पोस्टेड एनुअली। एनुअली देख लो आपके कितने ज्यादा ट्रक्स हैं, वो एनुअली जस्ट इस वेबसाइट के थ्रू मैनेज होते हैं, ठीक है। बाकी आप इनका देख सकते हो, ये मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई, ठीक है। और इनकी जो है ये डिफरेंट एक 180 ये सब्सक्रिप्शन लोड बोर्ड की, और बाकी मेरे ख्याल से ये $45 जो है ये पर मंथ कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो 140 वाली भी है, 180 वाली भी है, और उसमें अलग अलग प्लान हैं, वो आप खुद से देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो, पावर सेलेक्ट करियर, ट्रक एज प्रोफेशनल, और जितने भी ट्रकर्स हैं, जितने भी डिस्पैचर्स हैं, उनके पास ये लाजमी होता है। अगर ये नहीं है तो आपका 80% काम अधूरा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, वर्किंग एज अ ट्रक डिस्पैचर मीन्स फाइंडिंग क्वालिटी रेलिवेंट लोड्स फॉर योर करियर। टू डू दैट यू आर गोइंग टू नीड अ सब्सक्रिप्शन टू अ हाई क्वालिटी लोड बोर्ड वेयर यू विल एबल टू एक्सेस थाउजेंड्स ऑफ प्रीड लिस्टिंग्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। मतलब कि दूसरे कंट्रीज में ऑनलाइन आप देख सकोगे कि कितना लोड कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, और आप वहां से वर्क जो है अपना स्टार्ट कर सकते हो। वाइल देर आर सम फ्री लोड बोर्ड्स अवेलेबल, यू रियली नीड टू इन्वेस्ट इन अ पेड सब्सक्रिप्शन बोर्ड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड क्वालिटी फ्रीड। अच्छा एक बात आपको बता दूं, जिन लोगों को नहीं आइडिया ना इसका, वो अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे होंगे, लोग अब आगे से उनके दोस्तों को भी नहीं पता होगा कि ये क्या चीज है। वो भी हमें अपनी तरफ से हैंकी मैंकी मार के जो है ना उसको कह देंगे कि यार छोड़ो ना करो ये वो फलाना टपकाना, इसमें ऐसे होता है इसमें ऐसे होता है। अगर आपको प्रॉपर कोई काम करना है तो आपको प्रॉपर रिसर्च की जरूरत है। अगर आप प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, अब मैंने अगर आपको बताऊं तो पाकिस्तान में किसी भी बंदे से नहीं सीखा कि ट्रैकिंग कैसे करनी है। सारे मेरे यूएसए के जितने भी दोस्त हैं, वो मतलब कोई अमेजोन वेयर हाउस में जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कितना लोड लेके जा रहा है, कोई कितना बुक कर रहा है, प्रेप सेंटर्स वाले कैसे डिस्पैचिंग करते हैं, अब ये मुझे तो सारा आइडिया है। मैं इनकी कम्युनिटी में ऑनलाइन रहता हूँ ना, मैं कभी यूएसए गया, और इनशाला जल्द लगेगा चक्कर, लेकिन मैं आपको यहाँ से बैठ के ही बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से सारा मैनेज करता हूँ, सारा उनसे सीखता हूँ, पूछता हूँ डेली कैसे आप करती हो, क्या हिसाब किताब है, कैसे अर्निंग आपकी होती है, ठीक है। तो अपनी फील्ड के हिसाब से ही आपने दोस्तों से मशवरा लेना है, ये ना हो कि आप, मैंने काफी सारे दोस्त देखे हैं जो ड्रॉप शिपिंग में फेल हुए हैं बस दूसरों के हाथ लग कर। ये बात मैंने करनी नहीं थी, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर कभी कभी जो है वो हो जाता है। मुझे पता है 1 घंटे के करीब करीब तो ये लेक्चर होगा। खैर अभी अभी आगे बस थोड़ा सा रहता है ना, ज्यादा नहीं है, 2-3 स्लाइडें हैं। अच्छा हमारा जो स्टेप नंबर 4 था ये वाला, गेट अ लोड बोर्ड डिस्क्रिप्शन। अब आपने ये ले ली ऑनलाइन, आपने अब डेट पावर लोड बोर्ड ये वेबसाइट है जी, मैंने आपको बता रही, यहाँ से जाके आप ले सकते हो लोड, आप बुक कर सकते हो ऑनलाइन, आप फाइंड कर सकते हो, और आपका काम चल सकता है। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस, ऑनलाइन कनेक्शंस बनाओ अपने। अब मैं आपको अगर बता दूं तो मैं ये जो लोड बोर्ड की डिस्क्रिप्शन जो सब्सक्रिप्शन है ये मेरे दोस्तों के पास है, इसमें से अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ऑन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप बुक करते हो। लेकिन मैंने अपने हिसाब से आपको बताया कि एज अ ब्रोकर जो है मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं आगे अपना कमीशन रख के आगे बुक करवा रहता हूँ, उनके पास सारी सब्सक्रिप्शन और उन्हीं के पास सारे स्टेट्स वगैरह होते हैं। अच्छा वाइल लोड बोर्ड्स आर ग्रेट वे टू फाइंड लोड्स फॉर द करियर्स, रियल सक्सेस इन द ट्रकिंग इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शंस। कि आपके जितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होंगे, जितने सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, खराब मटीरियल लेके आने वाले के साथ, उसके बाद फिर आगे जो शिपर है उसके साथ, डिस्पैचर के साथ, करियर कंपनी के साथ, और उसके अलावा जो फाइनेंस कंपनी होती है उसके साथ, जो कि आपको सारा कैश फ्लो आपका मैनेज कर रही होती है, सप्लाई चेन है उसके साथ, अगर आपके अच्छे कनेक्शंस हैं तो आप फ्यूचर के बिलियनर्स हो, मिलियनर्स हो आप फ्यूचर के, अगर आपको ये सारा कुछ करना आता है और आप टाइम देते हो इस बिजनेस को। अच्छा हाउ टू फाइंड करियर्स एंड लोड एज अ ट्रक डिस्पैचर, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कैसे मैं ये काम कर सकता हूँ। देखो वंस यू हैव क्रिएटेड योर बिजनेस वेबसाइट यू नीड टू स्टार्ट फाइंडिंग करियर्स एंड लोड्स। अब मैंने आपको अलीबाबा का बताया, अली एक्सप्रेस पे जाओ आप, जितनी भी बड़ी बड़ी ये रिटेल वेबसाइट्स हैं जो कि चाइना से, या आपको पाकिस्तान में दराज जो वेबसाइट है इसके ऊपर माल कहाँ से आता है, चाइना से आता है, कैसे आता है ये आपको फाइंड करना है।
आप अपने कनेक्शन बनाओ, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। अब व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग करियर्स एंड स्मॉल ट्रकिंग कंपनीज टू वर्क विद, देयर आर अ फ्यू अप्रोचेस यू कैन टेक। दिस इंक्लूड्स यूजिंग अ डायरेक्टरी लाइक टेट डायरेक्टली, ये वही टेट एक सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया, लेकिन आप अपने ऑनलाइन अपने माइंड से पूछो कि आप किस तरह से कर सकते हो। लेट्स यू कॉन्टेक्ट करियर्स एंड टेल देम अबाउट द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, कि मैं एज अ ब्रोकर, एज अ शिपर, एज अ डिस्पैचर, मेरे पास काफी सारे लोग हैं जो आपको सस्ते दामों में आपके साथ काम कर सकते हैं, मैं आपको ट्रक दे सकता हूँ। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो मेरे दो तीन दोस्त हैं प्रेप्स एंड ट्रेवल यूएसए में, जो कि अपने ट्रक करियर्स को ऑफर करते हैं। करियर्स क्या करते हैं, अपनी कंपनी का लोगो लगा रहते हैं और उनकी सर्विसेज को हायर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रक डिस्पैचिंग, ठीक है। पेड एड्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल के ऊपर अपने एड्स लगाओ। अफेक्टिंग कंपनी कैन बी सेंड ईमेल्स, अपनी जो कंपनी की आप ईमेल बनाई हुई है, आप दूसरे पार्टनर्स को, दूसरी जितनी भी आपकी ब्रांड्स हैं, अप्रूवल लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप उनको ईमेल करते हो। अब जैसे कि मैं यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो अक्सर पोस्ट करता रहता हूँ डेली या एक दो दिन के बाद, मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं कि मैं आपकी आईडी के ऊपर सब टाइटल लगा देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। इस तरह से फेसबुक ग्रुप्स फॉर करियर्स इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री कैन बी गुड प्लेस टू प्रमोट। अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे फास्ट जो मेथड है फेसबुक के ऊपर, आप जाओ ग्रुप्स में, आप पोस्टिंग करो, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप सनी अली के ग्रुप में चले जाओ, ऑनलाइन ई कॉमर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है, इनेबलर्स के ग्रुप में चले जाओ, मेरे ग्रुप में आ जाओ, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से है फेसबुक के ऊपर, कोई छोटा मोटा क्लाइंट वहां से तो मिल ही जाएगा आपको। वंस यू हैव करियर्स, अब आपने अपने कनेक्शन बना ले करियर्स के साथ, इट इज टाइम टू स्टार्ट फाइंडिंग लोड्स इफ यू हैव अ सब्सक्रिप्शन टू द लोड बोर्ड ऑफ योर चॉइस। अभी सारा आप रीड कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। हाउ डू आई बिकम अ सक्सेसफुल ट्रक डिस्पैचर, मैं कैसे बन सकता हूँ, मुझे सबसे पहले सीखना है, थोड़ी सी मार खानी है, उसके बाद जाके मैं अच्छा सक्सेसफुल डिस्पैचर बन सकूंगा। अक्सर मेरे दोस्त जो कि प्रेप सेंटर वाले हैं वो बिजी होते हैं, मैं उनको मैसेज कर रहा होता हूँ, वो नहीं रिप्लाई कर रहे होते, मैं दूसरे को मैसेज करता हूँ वो भी। अब आपको अगर एक बात बताऊँ, सब लोग जो पाकिस्तानी हैं एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं तो ईगो, आपने सुना होगा, यार मेरे दोस्त उसामा भाई, मैं उससे पूछता हूँ तो वो मुझे ईगो शो करवाता है, मुझे नहीं बताता, बताता नहीं, मेरे से जेलस होता है, फलाना ढमकाना शो ही नहीं करवाता। मतलब कि ना अक्सर दोस्तों में ये होता है, आपने सुना होगा कि उन वो खुद फिर आगे कोई मेंटोर फाइंड कर रहे होते हैं जो उनको बताए कि हाँ भाई इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने रिसर्च करनी है, आपको पाँव भी दबाने पड़ेंगे, मालिशें भी करनी पड़ेंगी, दबाना भी पड़ेगा अपने दोस्तों को, सीखने के लिए उस्ताद की खिदमत जरूरी होती है, ठीक है। तो मैं भी अपने दोस्तों की अच्छी खासी खातिर तवाजो करता हूँ, जब उनसे सीखता हूँ अच्छे खासे उनके साथ जो है कनेक्शन जब बनाए हों तो सारा कुछ करना पड़ता है सीखने के लिए। फाइंड अ गुड मेंटोर, अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सेकंड जो टिप मैंने बताई है, इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, आपको लोड बोर्डिंग आती हो, कैसे मैनेज करना है, कैसे आपने ऑनलाइन लोगों के साथ बहस करनी है, कैसे निगोशिएशंस करनी है आपने, यही आपको एक परफेक्ट जो है वो बिजनेस डेवलपर और बिजनेसमैन बनाता है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको आखिरी वाली दो स्लाइड्स में बताई, इसी के बेस के ऊपर आप कुछ ना कुछ बन सकते हो। अभी हमने जस्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो जस्ट हमने 0.2% हमने लर्न किया है ट्रकिंग का। अभी ट्रकिंग में इतना ज्यादा नॉलेज है कि मैं ये जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हुए ना, इन सब के ऊपर मैं एक एक घंटे का लेक्चर बना सकता हूँ, इन सब हेडिंग्स के ऊपर। हाउ टू स्टार्ट अ ट्रक डिस्पैचिंग फ्रॉम होम, हाउ टू स्टार्ट माई ओन फ्री ट्रकिंग बिजनेस, ठीक है, ट्रकिंग कंपनी कैसे चलानी है, फ्रीड एजेंट जो है वो कैसे, कंपनी के साथ कैसे बात करनी है, ईमेल्स कैसे करनी है, डिस्पैच ट्रक्स कैसे, मैं डिस्पैच कैसे होते हैं, एक वेयर हाउस से, एक ट्रैक सेंटर से, एक यानी कि जगह से जहाँ से ट्रक्स के ऊपर लोड होता है सामान, वो कैसे होता है, कैसे वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा ट्रकिंग कंपनी इन एलानोइस, ये यानी कि यूएसए की कुछ बड़ी बड़ी जो स्टेट्स हैं उनमें ज्यादा जो काम होता है, मैंने मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ टू एक्सपोर्ट हैवी इक्विपमेंट, मतलब कि दो दो तीन तीन टन का जो वजन है वो कैसे आप बुक करोगे, आपको बड़े बड़े जो पैलेट्स हैं वो कैसे बुक करवाने हैं, एक पैलेट का रेट क्या होगा, या एक जो बॉक्स है, छोटा बॉक्स भी होते हैं, पैलेट्स भी होते हैं, और डिफरेंट जो है काफी सारी इनकी टाइप्स हैं लोडिंग में जो आती हैं,
उनके हिसाब से फिर आगे बुकिंग होती है, उन्हीं के हिसाब से जब आपको उसके रेट्स पता चलते हैं आप अगले बंदे को बताते हो, तो जहां पर आपका अपना कमीशन अच्छा सेट हो जाए, प्रॉफिट सेट हो जाए, आप कर सकते हो। अब ये जितनी भी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं ये सारी अभी हमने सीखनी है। खैर आपको जो मैंने आज ये सब कुछ सिखाया इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या कुछ होता है ट्रकिंग में, कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब आपके जितने भी दोस्त हैं जो ट्रकिंग कर रहे हैं उनके पास जस्ट एक या दो सर्विसेज होंगी, कौन से वाले, या तो एज अ ब्रोकर काम कर रहे होंगे, या तो एज अ वो क्लाइंट्स फाइंड कर रहे होंगे, या तो उनके, अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में 70 से 80% जितने भी जो ट्रक डिस्पैचर्स बैठे हैं सारे तकरीबन शिपर की सर्विसेज रहते हैं। शिपर्स की सर्विसेज दे के माशाल्लाह से वो 1,000 2,000 डॉलर हर बंदा कमा लेता है शिपर्स की सर्विसेज दे के, डिस्पैचर्स और शिपर्स की सर्विसेज दे के। अगर एज अ ब्रोकर आप काम करते हो तो आपके गौरों के साथ अच्छे लिंक होने चाहिए, इन सबको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इनकी रिगार्डिंग में हर एक की रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा, और आप देखना मेरी जो प्लेलिस्ट है वो आप अपने पास सेव कर लो, ट्रक डिस्पैचिंग वाली, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें। और एक और बात आपको बता दूं, ये सारा कुछ मैं यूट्यूब पे ही नहीं बता देता, मैं अलग से एक कोर्स लॉन्च करूंगा जिसमें मैं आपको अपने पर्सनल वे में दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है, और इससे भी एडवांस लेवल का नॉलेज आपको दूंगा। खैर आज का जो हमारा लेक्चर था वो इतना ही था, आपको आइडिया होगा हो गया होगा कि क्या होती है ट्रकिंग, क्या होती है डिस्पैचिंग, कैसे काम करता है, कौन कौन इसमें होता है, ठीक है। एक और आपको बात बता दूं, अमेजोन की काफी सारे कोर्सेज मैं बना चुका हूँ, काफी सारे दोस्त कहते हैं कि हमने आपसे पेड कोर्स लेना है, पेड ट्रेनिंग लेनी है, 1-to-1 ट्रेनिंग लेनी है, या कंसल्टेंसी लेनी है, कंसल्ट करना है आपसे, तो उसका क्या तरीका कार है। सबसे पहले आपको पेड कोर्सेज के बारे में बता दूं, पेड कोर्सेज जो है वो मेरे पास अमेजोन के रिगार्डिंग काफी, अब मैं अमेजोन का ज्यादातर मेरा काम ही अमेजोन का है, तो अमेजोन के रिगार्डिंग जितने भी लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं उनके लिए मैंने अलग से कोर्स बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ है उसमें। अच्छा काफी सारे दोस्त कहते हैं उसामा भाई हमने आपसे सीखना है एडवांस लेवल का, तो एडवांस लेवल में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं करता, हर वो ट्रिक मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं बता देता, ठीक है। आपको सारा जो कुछ है वो मेरे गूगल ड्राइव में मिलता है जो कि पेड है, 10K की आपको मिलेगी, इसमें अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का कंप्लीट कोर्स है, हंटिंग कैसे करनी है आपको, सोर्सिंग कैसे करनी है, जर्नल वे क्या है, मैं कैसे करता हूँ, और मैं निगोशिएशन कैसे करता हूँ उनके साथ, वेब सेंटर वालों के साथ कैसे कनेक्शन करता हूँ, कौन कौन से स्टेट में आपको अच्छा रेट मिल जाता है, और आप अमेजोन वेयर हाउस में कैसे बेच सकते हो। तकरीबन 15 से 16 घंटों का ये कोर्स है ऑनलाइन आर्बिट्राज का, FBA का बेहतरीन मॉडल, जिसमें आप जस्ट 250 300 से 400 डॉलर तक एक प्रोडक्ट आप इजीली लॉन्च कर सकते हो और आप प्रॉफिट अच्छा खासा बना सकते हो, ठीक है। इसमें सारी स्ट्रेटेजी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि एडवांस लेवल की जो कि मुझे पता है और मैं खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ इसमें मैंने बताई है, ठीक है। और उसके अलावा अमेजोन 3PL डिस्पैचिंग का कोर्स आपको मिल जाता है जो कि तकरीबन इसमें आपको 60+ लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, तकरीबन ये 22 से 23 घंटों का ये कोर्स है, ठीक है। आपको 3PL डिस्पैचिंग करनी है अमेजोन के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग जिसे हम कहते हैं, उसका कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाता है, हंटिंग कैसे करनी है, सोर्सिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है, अप्रूवल कैसे लेना है, सारी मैंने बताई हुई है। अगर आपका अकाउंट किसी भी केस में बंद हो जाता है यूट्यूब की सॉरी अमेजोन का, तो आप कैसे ओपन करवा सकते हो, कंप्लीट उसका कोर्स है अमेजोन की पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर साथ में आपको सस्पेंशन टेम्पलेट्स की भी जरूरत होती है, आपसे अमेजोन टेम्पलेट्स मांगता है कि हाँ भाई मुझे अपील लेटर दो, अपील के बगैर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता, सारी अपीलें आपको मिल जाती हैं इसमें A to Z। और इसमें मैं इंशाल्लाह ट्रकिंग का जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसी ड्राइव में पुट करूंगा मैं, और मैं इंशाल्लाह डेली एक या दो या 3 दिन छोड़ के एडवांस लेवल की ट्रैकिंग की एक वीडियो लाजमी इसमें अपलोड किया करूंगा, और इसमें होलसेल FBA, अमेजोन प्राइवेट लेबल, और Etsy ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी इसी ड्राइव में अपलोड करूंगा। और ये ड्राइव आपको कितने की मिलेगी, 10K की, 10K की आपको मिलेगी। कैसे, आपने क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करनी है आपको, जस्ट वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आप कर दो, और कोर्स की डिटेल्स के लिए आप मैसेज कर लो, या कोई मतलब कि कोई छोटा मोटा सवाल है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में अगर आप करते हो तो मैं जल्द आपको जवाब दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप पे करते हो कोर्स के रिगार्डिंग, तो मेरी टीम आपको 5 से 10 मिनट में या 15 मिनट में आपको रिप्लाई कर देगी। ये मान लिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको ट्रक डिस्पैचिंग से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
अभी तो ये जस्ट एक पिक्चर थी, ट्रेलर अभी बाकी है, क्योंकि ट्रक डिस्पैचिंग कोई छोटी सी फील्ड नहीं है इसमें। बहुत अगर मैं आपको दिखा दूं कि ट्रक डिस्पैचिंग का कितना इनकम है, मतलब सालाना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अमेजोन से बहुत ज्यादा है। ट्रक डिस्पैचिंग ईयरली इनकम ये देख सकते हो आप। ये मेरे ख्याल से अगर मैं बताऊं तो ये मेरे ख्याल से इन्होंने सही नहीं बताया, कल मैं चेक कर रहा था तकरीबन कोई अमेजोन से 10 गुना ज्यादा था अमेजोन से। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन 71% जितनी भी दुनिया में एक्सपोर्ट्स होती हैं या इम्पोर्ट्स होती हैं, सारी इसी के थ्रू होती हैं। खैर, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना।